सबके नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे आदरणीय पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट साहब, आपके लोकप्रिय नेता नरेंद्र बुडानिया जी, कृष्णा पूनिया जी, रफीक मंडेलिया जी, आप सम्मानित मंच और आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, समय आ गया है 25 तारीख 25 नवंबर 2023 को। मैं पहले भी नामांकन में कह के गया था, इस फाइल को भाई लोगों निपटानी है। जब काम शानदार किया है, योजनाएं शानदार दी हैं, गवर्नेंस गुड दी है, और आज नरेंद्र बुडानिया जी ने 5 साल में आपकी शानदार सेवा की है, इसका ऋण चुकाने का समय आ गया है। मैं पुनः आप सबके सामने एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं कि भाई साहब, सब लोगों सुन लो, 25 नवंबर को रण छोड़दास जी को हराना है, नरेंद्र बुडानिया को जिताना है। आप सब लोग आए हो, एक बात याद रख लो, अगर ये मौका चूक गए, अगर वो मौको चूक गया ना, तो दोबारा मौको को नहीं आवेगो। आप बड़ा नेताजी ने जगह शिफ्ट हुआ है, एयरलिफ्ट हुआ है, बन बैरंग वापिस लौटाबा को समय आ गया है, वापिस बैरंग लौटा दीजियो। आदरणीय राहुल गांधी जी को हम सुनेंगे, 1-1.5 घंटे हम लेट आए हैं, ये मौका है सीकर चूरू झुंझुनू को संभाग बना के हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने तोहफा दिया है, इसके ऊपर वोट होना चाहिए। 10 तरीके की गारंटियां दी हैं, 7 दिए हैं, हमारी सरकार आगे बनेगी तो 17 गारंटियां चालू रहेंगी। अगर बीजेपी की सरकार गलती से बन गई तो केवल 1 गारंटी होगी, हर के घर में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई आएगी, इसके अलावा बीजेपी के पास कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ओपीएस वालों भी ध्यान से सुन लो, 10 गारंटी का लाभ लेने वाले भी सुन लो, और 7 गारंटी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए एक महिला मुखिया के हर साल का मिलेगा। आप कांग्रेस की नीतियों पे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में विश्वास करते हुए हर वर्ग के साथ में न्याय करने के लिए और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए वोट दीजिए। आप सब लोग आए, आपका स्वागत। नरेंद्र बुडानिया हाईएस्ट वोटों से जीत करके राजस्थान के विधानसभा में जाना चाहिए।